हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। काफी सारा काम हो चुका है और बहुत सारे काम बाकी भी हैं। तो अभी हमारा काम आधे से ज्यादा बाकी है, मतलब खाना बनाने का पूरा काम बाकी है। तो सबसे पहले हम खाना बनाएंगे और अपना ब्लॉग हमने सुबह से आज शुरू कर दिया था। बातें आप लोगों से होती रहेंगी, तो आज का ब्लॉग आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग ब्लॉग देखने के लिए? तैयार है ना, आ जाइए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, तो हमारा ब्लॉग शुरू हो जाता है आज सुबह 5 बजे से। तो सबसे पहले आप लोग घड़ी देख सकते हैं, 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और बच्चे यहाँ पे अभी सोए हैं, क्योंकि सुबह के समय काफी ठंडा मौसम हो जाता है और फर्राटा भी लगा हुआ है। बच्चे अभी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो इनको हम सोने देते हैं, सबसे पहले अपने काम पे लग जाते हैं। अभी काफी टाइम है सुबह होने में, तो सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो झाड़ू एक बार लगा लेंगे, उसके बाद हम फिर अच्छे से झाड़ू लगाएंगे जब बच्चे उठ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लगा रहे हैं सुबह की बासी झाड़ू। अभी बच्चे सो रहे हैं तो फैन बंद करके नहीं लगा रहे हैं, ऊपर ऊपर से ही झाड़ू लगा रहे ले रहे हैं। इसके बाद हम फिर से झाड़ू और पोछा करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम एक बार ऊपर ऊपर से जो कूड़ा है उसको उठा लेते हैं, तो इसको कहते हैं बासी झाड़ू, सुबह सुबह लगा लेते हैं। वैसे हम चाय पीने के बाद ही झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन आज जल्दी उठ गए थे तो झाड़ू कर लिया। उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय पे यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया है और आज इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ दूध में चाय बनाएंगे। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती डाल दी है और बच्चों का उठने का टाइम हो चुका है, तो बच्चों को हम दूध दे देंगे और बाकी अब सबके लिए चाय बना रहे हैं। और आज चाय में अदरक नहीं, तुलसी की पत्ती डाल रहे हैं। हमारी चाय यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, सबको छान के दे देते हैं। और हस्बैंड भी उठ चुके हैं, बाकी सब लोग घर के सभी सदस्य उठ चुके हैं, इस वीडियो के सभी पात्र भी उठ चुके हैं। चाय पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चाय पीने के तुरंत के बाद का काम जो था, तो हमने सोचा सब्जी कट करके रख लेते हैं, दाल वगैरह साफ कर लेते हैं, चावल भी धुल के रख लेते हैं। और आप लोग डरिएगा नहीं, ये हम ही हैं, हमने फेस में पैक लगा रखा है, क्योंकि हमने सोचा कि जब तक ये सारे काम करते रहेंगे तब तक हमारा फेस पैक भी सूख जाएगा। और कपड़ों पे आप लोग माइंड मत करिएगा, हमारे पास ज्यादा स्टाइलिश कपड़े नहीं है, जो है घर में वही पहन लेते हैं। तो रात का टाइम था, मतलब रात को नहाया था, तो यही कपड़ा डाल लिया था, तो सुबह सुबह इसलिए बहुत कम कैमरे के सामने आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारा आज आलू और बैंगन की सब्जी कट चुकी है, फ्रिज में और कोई सब्जी थी नहीं, सब्जी फिनिश हो चुकी थी, टमाटर भी नहीं था, तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी कट चुकी है। और दाल के लिए, सब्जी के लिए, दोनों के लिए हमारा तड़का रेडी हो चुका है। आज हम दाल बनाएंगे यहाँ पे मूंग की दाल। मूंग की दाल को हमने रात भर भिगो के रख दिया था, सुबह इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया है, इसको कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पे 1 कटोरी भर के हमने दाल लिया था और फूल के 2 कटोरी हो चुकी है, तो जितनी दाल लिया है हमने उतना ही पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी डाल दी है, सरसों का तेल और नमक डाल के इसको रख देंगे सीटी लगने के लिए। 2 सीटी में आपकी दाल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दाल रख के फिर से झाड़ू पोछा करने चले जाएंगे, उसके बाद आप लोगों से नहाने के बाद मिलते हैं सीधे। तो यहाँ पे हम नहा के आ चुके हैं और आज हमने बाल धुल लिया था, तो यहाँ पे हम अपना रूटीन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हल्का सा हमने फेस में एलोवेरा जेल लगा लिया था, उसके बाद हल्का सा पाउडर लगा लिया था और हल्की सी लिपस्टिक लगा लेंगे। वैसे ये आप लोगों के साथ नहीं शेयर करते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता शेयर करना, बट आज हमने शेयर कर दिया। हल्की सी लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, बस इतना ही रहता है हमारे मेकअप में। फाउंडेशन वगैरह हम कुछ नहीं लगाते, लाइनर, काजल, ये सब कुछ भी नहीं करते। और थ्रेडिंग को ठीक करना, मतलब अभी बहुत ज़्यादा घने हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट बार हमने थ्रेडिंग फरवरी में बनवाई थी शादी में भाई की। तो अब हम हो चुके हैं तैयार, तैयार होके सीधे हम किचन में आते हैं। तो देखिए अब हम आ चुके हैं किचन में अपनी रूटीन में जो हमको बनाना होगा, क्योंकि खाना सुबह ही बना देते हैं 10 बजे तक, पति देव जी खा के जाते हैं काम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दाल को फ्राई करेंगे। दाल फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है, घी में डाल दिया है, 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ के, जीरा डाल दिया है, इसको अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ी सी हींग भी डाल दी है, हींग को अच्छे से पकने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदरक के लच्छे डाल दिए हैं, उसके बाद इसमें हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, जो भी तड़के में है
टमाटर होता तो टमाटर भी डाल देते, लेकिन आज टमाटर नहीं था तो सब्जी और दाल दोनों में टमाटर नहीं पड़ेगा। सब्जी शाम तक आएगी। तो यहाँ पे हमारा प्याज पक चुका है, इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। आप गरम मसाला, सब्जी मसाला भी डाल सकती हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया है। आधा मैगी मसाला इसमें डाला, आधा सब्जी में डालेंगे। तो इसको मसाले को अच्छे से भून लिया है, जो हमने दाल बॉयल करके रखी है उसको डाल दिया है। दाल हमारी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल के कुकर को अच्छे से धुल के इसमें डाल देंगे। पानी को हमने कटोरे में रख के गर्म कर लिया है, ठंडा पानी आप न डालें क्योंकि दाल पकी हुई है। अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से पक चुकी है, इसको और उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद ही बंद करेंगे। तो एक उबाल आ जाए तो आप इसमें धनिया की पत्ती, गरम मसाला डाल सकती हैं, लेकिन आज ना धनिया की पत्ती थी और गरम मसाला हमने डाला ही नहीं था। तो दाल बनके रेडी हो चुकी है, इसको उतार के एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे सब्जी बनने के लिए। तो सब्जी बनने के लिए कढ़ाई हम दूसरी चढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें दाल हमने फ्राई करके रखी है, दूसरी वाली कढ़ाई यहाँ पे है। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें सरसों के तेल डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। और सब्जी जो हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं, मसाले वाली सब्जी नहीं है। इसमें डाल दिया हमने जीरा, और आज हरी मिर्च नहीं था तो हमने सूखी लाल मिर्च भी ले लिया है साथ में। तो सूखी लाल मिर्च, लहसुन और एक हरी मिर्च डाल दिया है। बस इसमें प्याज वगैरह नहीं डालेंगे, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा के इसमें आलू और जो हमने बैंगन कट करके रखा था उसको डाल देंगे। बैंगन कट करने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक और जो आधा पैकेट मैगी मसाला बचा था उसको ऐड कर देंगे। बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3 बार बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो हमारा खाना पक के रेडी हो चुका है। दाल और सब्जी के साथ साथ हमने चावल और रोटी भी बनाई थी, लेकिन बच्चों ने आज रोटी नहीं खाई, सिर्फ दाल और गोलू दाल चावल लिया था और गौरी दाल चावल सब्जी ली थी। तो इन दोनों लोग खाना खा रहे हैं और बक 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 अपनी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को एक साथ रहते हैं तो इनका मुंह नहीं बंद होता। तो आज के खाने में बना था दाल चावल रोटी सब्जी अचार, ये है मेरा खाना। सबसे पहले आप लोग खा लीजिए खाना। तो थोड़ा सा चावल लिया, एक रोटी। रोटी इस तरह इसलिए है क्योंकि इसमें हमने घी लगा के डिब्बे में बंद कर दी थी। और यहाँ पे है सब्जी जो हमने बनाई थी भुजिया, और दाल देख रहे हैं कितना ज़्यादा टिम टिम लग रहा है। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो चुका हो दाल था, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। टमाटर भी नहीं पड़ा था, फिर भी खाना खाने के तुरंत के बाद का काम हमारा होता है बर्तन धोने का। तो चलिए फिर बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी बज चुके हैं दोपहर के एक पूरे नहीं बजे हैं, अभी 15 मिनट बाकी है एक बजने में। और हमारा मतलब सबका खाना पीना हो चुका है, हस्बैंड अपने काम पे जा चुके हैं सुबह ही 10 बजे। तो बाकी बच्चों का और मेरा खाना पीना हो चुका है, बच्चे घर पे ही रहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि इन लोगों की पढ़ाई लिखाई घर से ही चल रही है। तो दोपहर का खाना हमने भी खा लिया है, और आज इतने सारे बर्तन हो गए थे कि पूछिए मत, क्योंकि सुबह से हमने एक बार भी बर्तन नहीं धुला था। चाय का और इनका देखिए मुंह बनाने का नया नया आइडिया। तो चाय पानी मतलब पूरा बर्तन इकट्ठा हुआ था, और दोपहर तक के खाने का दो कढ़ाई, एक कुकर, बाकी सारे बर्तन मतलब ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे। तो सबको हमने धुल के लगा दिया है टोकरी में। अब शाम तक का काम खत्म हो चुका है, बने रहिए आप लोग हमारी वीडियो में शाम तक। अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। आज हम टहलने नहीं जाएंगे क्योंकि जहाँ टहलने जाते हैं वहाँ पे कौन आया हुआ है? योगी जी। हाँ, हेलीकॉप्टर आया था पर मम्मी दिखा नहीं पाई, इतना तेज जा रहा। अब हेलीकॉप्टर हम यहाँ पे बना रहे थे काढ़ा, और वहाँ पे बाहर हमारे घूम रहा था। तो हमने इन लोगों से कहा कि वीडियो बना लो तुम दोनों, लेकिन इतनी जल्दी में आया, घूम के चला गया। तो यही यूनिवर्सिटी में ही हेलीकॉप्टर उतरता है, तो इसलिए आज हम वहाँ पे टहलने नहीं जाएंगे, लेकिन आज जाएंगे छत पे टहलने, और आप लोगों को भी ले चलेंगे छत पे। तैयार होना छत पे चलने के लिए, तैयार होना। तो आ जाओ। तो अभी हम आ चुके हैं छत पे, और देख सकते हैं आप लोग पीछे का नजारा कितना ज्यादा हरा भरा है, और आवाज भी आप लोगों को बहुत कम आ रही होगी क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है।
और मौसम ऐसा हो रखा है जैसे ठंडी वाला मौसम होता है उस तरीके का हो रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा ग्रीन ग्रीन है, बहुत अच्छा लगता है छत पे जब हम आते हैं। और इधर देख सकते हैं आप यहाँ पे वो देखिए वो रही सड़क, ये पैडलेगंज तिराहा है। हाँ इनका देखो थोड़ा पागलपंती, इनका पागलपंती देखिए। और इसके इधर देखिए इधर कितना अच्छा लग रहा है, पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन घास है यहाँ पे। तो हमने सोचा चलिए आप लोगों को भी छत पे घुमा देते हैं जब ही चल ही रहे हैं घूमने। तो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 9 और सबका खाना पीना हो चुका है। आज हमने खाने में सिर्फ रोटी बनाई थी और सबने दूध के साथ खाई है। और अभी हमने फेस क्लीन कर लिया है, किचन का सारा काम समेट दिया है क्योंकि सबसे जरूरी काम होता है किचन साफ करना। तो सोने जाने से पहले हम थोड़ी देर बाहर बैठेंगे क्योंकि उमस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को लगता है वीडियो बनाना आसान नहीं है, वीडियो बनाना बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो ऊपर का पंखा जो होता है उसको बंद कर देते हैं, अगर फैन चलता है तो आवाज क्लियर नहीं आती, जिस वजह से पूरा दिन हम लोग गर्मी में रहते हैं जब भी वीडियो कैमरा के सामने आते हैं। या तो आपके घर में एसी लगा हो तब आप रह सकते हैं, या तो फिर ठंड का मौसम हो तो आप बिना पंखे के रह सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का मौसम हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। तो अभी हम बैठेंगे थोड़ी देर बाहर और बाहर आप लोगों को दिखाएंगे अपने दोनों बच्चों की मस्ती। तो वहां पे गौरी जो है गोलू को 3rd डिग्री टॉर्चर करेगी आज रात को, उसका प्लान है, देखते हैं। आप लोग भी देखिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, इससे भी अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जा ऐसा मारेंगे गिर पड़ोगे। हाँ 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 यार इतनी कमीन। किसको कर रही है टॉर्चर? डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल व्हिच इज प्रतिमा ब्लॉगर।